ओटावा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारत ने 2 माह बाद कैनेडियन बाशिंदों के लिए 21 सितंबर से मुअत्तल ई वीजा सर्विस दोबारा शुरू कर दी। कैनेडा में हरदीप सिंह नज़र के कत्ल के बाद भारत और कैनेडा के दरमियान सफारती कशीदगी में इजाफा हुआ था, जिसके बाद भारत ने कैनेडियन बाशिंदों के लिए ई वीजा सर्विसेज 21 सितंबर से मुअत्तल कर दी थी। कैनेडा का कहना था कि जून में कैनेडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज़र के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस थी। दूसरी जानिब भारत का कहना था कि हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में इसका किसी भी किस्म का कोई किरदार नहीं है।